नमस्कार मित्रों, मैं एम के वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने विजय का शंखनाद कीजिए। मित्रों, आज के सेशन में हम लोग भारत के सीमावर्ती देश और उनको स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, ये टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। मित्रों, कुल 25 प्रश्न हैं इस सेशन में। अगर इस टॉपिक से इन 25 प्रश्नों को अगर हम लोग मन लगा करके सीख लें, यकीन दिलाता हूँ इस टॉपिक से आने वाले कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कि यहां देश नहीं होना चाहिए, यहां राज्य होना चाहिए, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मित्रों, क्वेश्चन पढ़ते समय हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए, ये नहीं वाले शब्द पे हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनका सवाल गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को हमें धैर्यपूर्वक पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है। तो देखिए यहां लिख रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब देखिए पहला विकल्प जो हमारा है त्रिपुरा है। मित्रों, त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन तरफ से घेरे हुए हैं, तो त्रिपुरा तो हमारा आंसर नहीं होगा। मेघालय, मेघालय भी बांग्लादेश से सटा हुआ है। मैप को देखिए, इस टॉपिक को मैं शुरू किया हूँ, आप लोग मैप खोल लीजिए और मैप को देखते रहिए हमारे साथ चलिए, और इस वीडियो में भी आगे मैं समय समय पर मैप आपको दिखाता रहूँगा। तो त्रिपुरा ये बांग्लादेश को टच करता है, मेघालय भी टच करता है, मणिपुर, मित्रों आप लोग मैप देखेंगे तो उसमें मणिपुर मेघालय बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, मणिपुर बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? इसमें ऐसे विकल्प को छांटना है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा को टच करता हो। तो मेघालय, आप मैप में देखेंगे मेघालय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सीमा को टच करता है और ये भूटान की सीमा को टच नहीं करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सिर्फ भूटान को टच करता है, भूटान को स्पर्श करता है, ये बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। असम, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असम बांग्लादेश को भी स्पर्श करता है और इसके साथ साथ भूटान को भी स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम हो जाएगा। सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम ये जो है भूटान को तो स्पर्श करता है, भूटान को स्पर्श करता है और ये नेपाल को भी स्पर्श करता है। सिक्किम नेपाल को भी स्पर्श करता है और चीन को भी स्पर्श करता है, लेकिन ये बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य। अब की बार देखिए क्वेश्चन फिर आ गया कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, ये हमको पता करना है। ये देखिए पहले वाले विकल्प में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। यही देखिए बगल में मैप लगा हुआ है, यहाँ तुरंत देख लेते हैं। ये देखिए बांग्लादेश है,
ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसकी सीमा को देखिए, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल स्पर्श कर रहा है। फिर आगे देखिए, हाँ इसमें नागालैंड दिया हुआ है, नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ये देखिए नागालैंड की स्थिति यहाँ है और बांग्लादेश की स्थिति यहाँ है, तो इस प्रकार से नागालैंड और बांग्लादेश के बीच में असम राज्य आ जाता है, तो नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो ये स्पर्श नहीं करता है। तो अब एक विकल्प में अगर एक राज्य स्पर्श नहीं कर रहा है तो ये वाला विकल्प हमारा खारिज हो गया, ये सही नहीं होगा। अगले वाले विकल्प पर विचार करते हैं, नागालैंड देखिए फिर आ गया, यहां पहले वाले विकल्प में हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता, तो यहां भी आ गया, तो जाहिर सी बात है अब ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। आगे सी वाले विकल्प पे हम ध्यान देते हैं, सी वाले विकल्प में भी नागालैंड आ गया है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब चार विकल्प में तीन विकल्प को हमने काट दिया है, तो चौथा विकल्प हमारा वैसे ही सही हो जाएगा। तो चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं, मेघालय है, मेघालय बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। ये देखिए मैप में हम लोग देख लेते हैं तुरंत, ये देखिए मेघालय, यहाँ देखिए, ये देखिए ये बांग्लादेश को स्पर्श कर रहा है। फिर वहीं देखिए असम है, ये भी स्पर्श कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी स्पर्श कर रहा है और त्रिपुरा भी स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये त्रिपुरा भी बांग्लादेश को स्पर्श कर रहा है, मेघालय भी कर रहा है, असम भी कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी कर रहा है, तो इतने राज्य और मिजोरम भी स्पर्श करता है, तो कुल 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं। देखिए फिर नहीं वाला शब्द आ गया, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ेंगे तभी सवाल हमारा सही हो पाएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं इजी है फिर अपना धैर्य खो देते हैं और ऐसी स्थिति में वो सवाल गलत करके आते हैं, तो हमको घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से मिलती है। यहाँ देखिए ये पश्चिम बंगाल है और ये भूटान है, तो भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा मिल रही है, तो ये जो है ये आंसर नहीं होगा हमारा। सिक्किम, सिक्किम भूटान के बगल में ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के बगल में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से नहीं कह रहा भारतीय राज्य सीमा भूटान से नहीं मिलती है, हाँ तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मेघालय ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से इसकी सीमा स्पर्श करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। आइए मैप में देख लेते हैं, ये देखिए मेघालय है हमारा और मेघालय और भूटान के बीच में असम राज्य है, तो इस प्रकार से मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन से भारतीय राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो अगर आप मैप देखेंगे, भूगोल पढ़ने के लिए मैप को हमेशा देखना चाहिए, बिना मैप के भूगोल की पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, भूगोल को रटने का प्रयास करते हैं और आयन वक्त पर वो कन्फ्यूज कर जाते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। जब हम मैप लगातार देखेंगे तो बहुत सवाल हमारा वैसे सही हो जाएगा। आप मैप को देखेंगे तो उसे लगेगा कि म्यांमार से सर्वाधिक लंबी सीमा जो स्पर्श करता है वो अरुणाचल प्रदेश है, ये सब इससे कम दूरी तक म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए फिर नहीं शब्द आया हुआ है, चार राज्य हैं, इसमें किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लग रही है,
इसको हमें देखना है। तो असम, आप देखेंगे असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, असम और म्यांमार के बीच में नागालैंड आता है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा असम। बाकी अरुणाचल प्रदेश ये जो है म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, मणिपुर की भी लगती है और मिजोरम की भी लगती है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसको चाहे तो मैप में भी देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए फटाफट मैप पे आते हैं, ये देखिए असम, ये असम राज्य है और ये इधर म्यांमार है, इधर जो है म्यांमार है, तो आप देखेंगे म्यांमार की सीमा असम से नहीं लग रही है, तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है असम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखिए यही क्वेश्चन था कि किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न राज्य समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब इसको देख लेते हैं, पहला वाला विकल्प है गुजरात, तो गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, मैप को देखिए हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है, पंजाब सटा हुआ है, तो चूंकि इस विकल्प में एक राज्य नहीं सटा हुआ है तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले विकल्प को देते हैं, देखते हैं पंजाब पाकिस्तान से अपनी सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है, इस प्रकार से हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सी वाले विकल्प को देखते हैं, इसमें देखिए हरियाणा दिया हुआ है, हरियाणा पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसीलिए ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। और डी वाले विकल्प में देखिए फिर हिमाचल प्रदेश आ गया आया हुआ है, ये पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसीलिए ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। और देख लेते हैं कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला राज्य जो है नीचे से अगर चलेंगे तो गुजरात है, इसके बाद मैप देखेंगे आप तो राजस्थान मिलेगा आपको, फिर इसके बाद चलेंगे तो पंजाब मिलेगा, और फिर इसके बाद में चलेंगे तो जम्मू कश्मीर और फिर और थोड़ा उत्तर तरफ जाएंगे तो ये लद्दाख। इतने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये हमको मैप में कई बार देख लेना चाहिए, अगर हम लोग कई बार देख लेंगे ब्लैंक मैप को भर लेंगे तो इस तरह के प्रश्न हमारे कभी गलत नहीं होंगे। हाँ ये यहाँ देखिए मैप भी लगा हुआ है, ये देखिए पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, इस देश के साथ सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें देखिए सबसे यहाँ देखिए पश्चिम में गुजरात है, ये गुजरात यहाँ है, ये अपना राजस्थान है और ये पंजाब है, यहाँ देखिए हरियाणा जो है ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है, और थोड़ा उत्तर में जाएंगे तो देखिए ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और लद्दाख भी कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं कर रहा है, तो इसको कई बार हम देख लेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये चार विकल्प दिया हुआ है, तो कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो पहले वाले विकल्प में दिया हुआ है सिक्किम नेपाल को स्पर्श करता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व का राज्य है और उसके बाद में अगर और थोड़ा पश्चिम आएंगे तो भूटान पड़ जाएगा, फिर सिक्किम पड़ेगा, फिर नेपाल है, तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश नेपाल से काफ़ी दूरी पे है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही नहीं होगा। विकल्प बी देखिए सिक्किम, ये सही है, सिक्किम नेपाल से अपनी सीमा बनाता है
और बिहार भी बनाता है। जैसे मान लीजिए ये अगर ये सिक्किम है तो सिक्किम के और इधर इस तरफ नेपाल है, ये इतना एरिया इधर नेपाल का है और ये इधर है भूटान, और इधर आएंगे तो यहाँ बिहार पड़ता है, बिहार यही समाप्त हो जाता है, ये नहीं है उसमें। तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। अब इसमें देखिए सी वाले विकल्प में असम, असम दे दिया है, तो असम जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, पश्चिम बंगाल करता है, तो अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा तो ये विकल्प ऐसे गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी विकल्प, नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार ये अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ कितना है देख लेते हैं, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की दूरी भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है। सेकेंड नंबर पे है चीन, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा भारत चीन के साथ साझा करता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है, ये देखिए बांग्लादेश फर्स्ट पे है, चीन सेकेंड पे है, ये सेकेंड है, चीन सेकेंड पे है और पाकिस्तान थर्ड पे है, ये है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और नेपाल को अगर देख लिया जाए तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत साझा करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये हमको जानना चाहिए, हो सकता है कभी क्रम मिलाने के लिए आ जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये हमको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। देखिए फिर आ गया नहीं, बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मित्रों आप लोग मैप में देखेंगे असम बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, मैप को आप लोग देखते रहिए क्योंकि बिना मैप देखे भूगोल की पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी, और रट के अगर जाएंगे तो आयन वक्त पर आपका रटा रटाया काम काम नहीं आएगा। तो असम जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मेघालय भी बनाता है और मिजोरम भी बनाता है, नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखिए मैप भी लगा हुआ है, हाँ यहाँ देखिए कह रहा था कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो नागालैंड की देखिए स्थिति यहाँ है, ये देखिए, बाकी मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये सब बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। असम दो तरफ से देखिए यहाँ भी बांग्लादेश से टच कर रहा है और देखिए यहाँ भी टच कर रहा है, नागालैंड काफ़ी दूरी पे है, नागालैंड और बांग्लादेश के बीच में असम है, तो इस प्रकार से नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया था
कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अब देखिए ये सीमा से संबंधित प्रश्न आ गया है। पहला विकल्प देखिए दे रहा है डूरंड रेखा। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जाने तो जान लीजिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये डूरंड रेखा के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच की स्थिति दिखाई गई है। अच्छा, मैकमोहन रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है, ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। अच्छा, एक देखिए दिया हुआ मैगीनाट, मैगीनाट रेखा दिया हुआ है। मित्रों ये मैगीनाट रेखा यूरोप कॉन्टिनेंट के जो दो देश हैं, एक है फ्रांस, ये जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें ये सब पढ़ने को मिलेगा, एक देश फ्रांस है और एक है जर्मनी। तो इन दोनों देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है मैगीनाट रेखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। इस रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर देखिए डूरंड लाइन से आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि डूरंड लाइन किस किस देश के बीच है, तो अब यहाँ ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, यहाँ सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे विकल्प पर ही। ये देखिए विकल्प डी में दिया हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किस किस देश के बीच सीमा निर्धारित की जाती है डूरंड लाइन द्वारा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ रेखा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चीन और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। मित्रों भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन सभी जगह नहीं मैकमोहन रेखा कही जाती, सिर्फ भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है वहां जो रेखा है भारत और चीन के बीच में, वही मैकमोहन रेखा कही जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चीन और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर वही मैकमोहन रेखा है। ये पूरा जैसे इधर आ जाएंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ आएंगे, तो इधर की जो भारत और चीन के बीच की सीमा बन रही है वो मैकमोहन रेखा नहीं है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ जो चीन और भारत के बीच की जो सीमा बन रही है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ये हमको जानना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डूरंड रेखा ये भारत अफगानिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, बस इसका आंसर पता चल गया विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। देखिए भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा बता दें, पाक जल डमरू मध्य, ये पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब जो विकल्प ये है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं, स्वेज नहर क्या है। स्वेज नहर एक देखिए एक है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और एक है इधर
सऊदी अरब के बगल में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में एक है लाल सागर, लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जो है स्वेज नहर जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग वर्ड जाकर भी पढ़ेंगे उसमें ठीक से पढ़ेंगे कि स्वेज नहर की क्या स्थिति है, उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल यहाँ इतना जान लेते हैं कि स्वेज नहर कहाँ है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। और इस क्वेश्चन में जो दिया था कि भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, खंभात की खाड़ी गुजरात की तरफ है और कच्छ की खाड़ी भी गुजरात की तरफ है। अभी हम लोग मैप में देख लेते हैं इसको। अभी देखिए मैप, अभी आगे देखिएगा, देखते हैं, ये देखिए मैप में देख लेते हैं फटाक से। ये देखिए यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ है पाक जल डमरू मध्य। यहाँ देखेंगे तो पाक जल डमरू मध्य यहाँ इसकी स्थिति है। और ये जो है मन्नार की खाड़ी, यहाँ एक है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ एक है पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य जोड़ने का काम करता है और भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब देखिए विकल्प में एक दिया होता खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी यहाँ है, ये सब पोर्शन खंभात की खाड़ी का है। और इधर ये यहाँ है कच्छ की खाड़ी, ये भी हमको मैप में जान लेना चाहिए। इधर देखिए वर्ल्ड का एक मैप लगा हुआ है, ये देखिए रेड सी है, यानी कि ये लाल सागर है जो मैंने अभी पहले बताया है, ये है लाल सागर, ये लाल सागर, ये वाला हिस्सा। और फिर यहाँ देखिए ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, तो ये है हमारा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ रही है नहर, वही है स्वेज नहर। तो वहाँ स्वेज नहर की स्थिति ये है। और अपने इंडिया में पाक जल डमरू मध्य यहाँ है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। यहाँ खंभात की खाड़ी है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है। चलिए ये क्वेश्चन ये आया था, ये हो गया है, इसको देख लेते हैं, ये छूट रहा था। 15वां क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में इसको बता दिए हैं कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प बी में भारत और पाकिस्तान दिया, तो इसके बीच में रेडक्लिफ है, बाकी ये इनके बीच में कोई उस तरह की रेखा है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, भारत और चीन के बीच। चलिए इसको हम लोग देख लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन देशों, कौन कौन देश है, नेपाल भूटान एवं चीन से सीमा साझा करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य तीन देशों नेपाल भूटान एवं चीन से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो पहला वाला जो विकल्प दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ये देखिए ये अपनी सीमा साझा करता है चीन से, और किससे, भूटान से, और किससे, म्यांमार से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में जो तीन देश दिया हुआ था नेपाल भूटान चीन, तो इसमें भूटान और चीन है लेकिन नेपाल नहीं है, तो इस प्रकार से ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा। विकल्प बी को देखते हैं, मेघालय दे रहा है। मेघालय आप जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को स्पर्श करता है, बांग्लादेश, ठीक है। सिक्किम को देखते हैं, सिक्किम जो है ये इसके पश्चिम तरफ नेपाल है, नेपाल है, पूर्व तरफ इसके भूटान है और उत्तर तरफ चीन है। तो हमें लगता है क्वेश्चन में दिए गए तीनों देश इसमें आ गए, तीन देश नेपाल
और भूटान और चीन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम नेपाल भूटान चीन तीनों देशों से जो है अपनी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित किस भारतीय राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तीन तरफ से। तो मित्रों ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश तीन तरफ से घेरे हुए है, तो वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के तीन तरफ से बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से इसके तीन तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए फिर आ गया, अब इसमें चार विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें तीन विकल्प वाले राज्य ऐसे होंगे जो तीन देशों से अपनी सीमा साझा करते होंगे, केवल एक राज्य नहीं सीमा साझा करता होगा। तो देख लेते हैं, सिक्किम, जैसा हम अभी बता चुके हैं कि सिक्किम नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है, भूटान से अपनी सीमा साझा करता है और चीन से अपनी सीमा साझा करता है। तो तीन देश इसमें हो गए। इसमें नाम नहीं दिया है, देशों का नाम नहीं दिया है, केवल संख्या दे रहा है। अच्छा, फिर पश्चिम बंगाल का ले लेते हैं, तो ये नेपाल, आप लोग मैप में देखिए, नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है और भूटान से भी अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से तीन देश ये भी हो गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में देखिए भूटान है, मैप को आप देखिए, और इसके उत्तर में और ये है चीन है, और पूर्व में म्यांमार है। तो इस प्रकार से तीन देशों से अपनी सीमा साझा ये भी करता है। तो इस प्रकार से त्रिपुरा देखिए बचा हुआ है, हम लोग एलिमिनेट कर दिए, तो ये त्रिपुरा निकल के आ गया। त्रिपुरा की तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन अलग अलग देशों से नहीं हैं, वो तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश के साथ हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है और आता भी रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। मित्रों आप लोग मैप को जरूर देखते रहिए, जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है। अगर ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर हम इन सब प्रश्नों को रट कर चले जाएंगे एग्जाम में और सही करके आ जाएंगे, मैं दावा करता हूँ कि आपके प्रश्न के गलत होने का चांस बढ़ जाएगा अगर आप मैप पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरा कहना मानिए, मैप जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, खासकर इन सब प्रश्नों को पढ़ें, तो मैप को जरूर देखते चलें और कोशिश करें कि ब्लैंक मैप को भर लिया करें। तो इस तरह के प्रश्न हमारे कभी गलत नहीं होंगे, और प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो गलत होने का चांस रहेगा। बहुत लोगों के सवाल, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, उनका सवाल ये गलत हो जाता है। तो मेरा कहना मानिए, आप लोग मैप पर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि शून्य रेखा स्थित है, तो शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में स्थित है, बाकी भारत नेपाल के बीच नहीं है, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। अब देखिए ये चार राज्य दिए हुए हैं, इसमें हमको पता करना है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप मैप में देखेंगे असम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, असम और म्यांमार के बीच में नागालैंड आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, ये हमारा विकल्प सही नहीं है।
त्रिपुरा, त्रिपुरा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मिजोरम, मैं आपको देखिएगा आप, तो मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मणिपुर भी, मणिपुर सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जिसको अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और जब से वो दर्जा इसका समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया, तब से कंडीशन अलग हो गया है। तो बहुत से किताबों में मैप जो दिए हुए हैं वो अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है तो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान से अब अपनी सीमा साझा नहीं करता है, पहले करता था तो अब नहीं करता है। अच्छा, चीन से भी अपनी सीमा साझा नहीं करता, पहले करता था, तो ये हमारा विकल्प गलत। अच्छा, अगला विकल्प क्या दे रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो देखिए, इसमें भी था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है जम्मू कश्मीर, तो इस प्रकार से ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है केवल चीन से, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, एलिमिनेट कर दिए हम लोग, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल पाकिस्तान से, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन आप इस पर ध्यान दीजिए और मैप को भी देख लीजिए, जिससे ये सवाल गलत ना हो, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान दे देंगे। लद्दाख सीमा साझा करता है, वो लद्दाख लिखा हुआ है, लद्दाख सीमा साझा करता है, तो पहला विकल्प दिया हुआ है केवल अफगानिस्तान और चीन से, तो अफगानिस्तान और चीन से लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन और भी विकल्प हैं, हम पहले और भी विकल्प को देख लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा आंसर मिल जाए हमको। बी वाले में देखते हैं केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, तो ये भी सही है, लेकिन अभी हो सकता है और कोई देश इससे अपनी सीमा साझा करता हो। सी वाले को देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चीन। मित्रों, इस समय लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इन तीन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, और वहीं जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मित्रों, आप लोग मैप ले लीजिए और मैप को देखिए ध्यान से, गुजरात से काउंट करना शुरू कीजिए, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, और फिर और चले आइए नीचे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों को आप काउंट करेंगे तो कुल 18 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 18 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं, पूर्वोत्तर राज्य के जो 7 सिस्टर्स हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम और उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जितने भी सेवन सिस्टर्स में हैं, अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो कुल इस प्रकार से 18 राज्य भारत के हैं जो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले 17 हुआ करता था, पहले 17 भारतीय राज्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को विघटित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है तब से एक राज्य बढ़ गया है। तो इस प्रकार से इस समय 18 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन को स्पर्श करते हैं। देखिए कुल 5 राज्य दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद में आराम से सवाल को हल कर लेंगे। तो हम अगर मैप को आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल, मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम भी करता है। तो इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल नहीं स्पर्श करता है चीन को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 5, ये देखिए सी में है 1, 2, 4, 5, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम लंबाई की सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम लंबाई की सीमा साझा करता है, वो है 106 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए मित्रों, आज का सेशन मेरा यही समाप्त होता है और सेशन समाप्त करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ, स्वप्न एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, निश्चित है। अगर आप कोई टारगेट हिट करने के लिए अगर अपने मन में बना लिए हैं कि हमको ये सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता प्राप्त करने के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएंगी, तमाम मुश्किलें आएंगी, हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप उन मुश्किलों को, उन बाधाओं को रौंदते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए अगर सफलता अर्जित करने में कामयाब होते हैं, तो यकीन मानिए वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा और कामयाबी शोर मचाएगी। ये जान लीजिए, जो लोग आपका मजाक करते रहे होंगे आपके तैयारी के दौरान, वो लोग चुप हो जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो हमको बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, निरंतर अपने टारगेट को हिट करने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन विजय श्री को मजबूर होना पड़ेगा आपका वरण करने के लिए। तो मित्रों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जानकारी से अगर लगे कि आपकी जानकारी में वृद्धि होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, बड़ों का आदर करते रहें,
निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।